खनिज राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त दल ने की कार्यवाही। काली रेत के अवैध उत्खनन में 2 ट्रैक्टर तथा 85 घन मीटर अवैध भंडारण जब्त किया गया। बीकनगांव खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पुलिस के साथ मिलकर खनिज के अवैध उत्खनन भंडारण पर मंगलवार सुबह से कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने बताया कि 18 जून को सुबह बीकनगांव क्षेत्र में टेमरना में वेदांत नदी में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए सहायक खनिज अधिकारी रीना पाठक द्वारा संयुक्त रूप से SDM BS कलेश, तहसीलदार रविंद्र सिंह चौहान एवं पुलिस की मदद से ग्राम टेमरना में वेदा नदी के किनारे शमशान घाट पर 25 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण जब्त किया गया। वह खसरा नंबर 3 वेदा नदी के किनारे 60 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत भंडारण जब्त कर ग्राम सरपंच के सुपुर्द किया गया। ग्राम टेमरना में वेदा नदी में रेत का अवैध उत्खनन में संलग्न पाए जाने पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली महिंद्रा व MP10 AA 3285 को जब्त किया गया है। प्रकरण में 2 ट्रैक्टर एवं 85 घन मीटर अवैध रेत भंडारण का प्रकरण, मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत अवैध परिवहन एवं उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कितने वाहन जब्त किए? आज वेदा नदी में रेत के अवैध उत्खनन शिकायत के संदर्भ में कार्रवाई की गई, जिसमें ग्राम टेमरना में रेत के भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज किए गए। मौके से एक जगह से 25 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की गई है और एक जगह से 60 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की गई है। साथ में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध उत्खनन में संलिप्त पाए जाने पर उन्हें जब्त कर भिकन गाँव थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है। मैडम, जो नदी से जो रेत जब्त की गई है उसकी मतलब रक्षा कौन करेगा? मतलब जैसे आपने उसको जब्त की है, अभी मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है और ग्राम सरपंच की सुपुर्दगी में अभी रेत दी गई है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, बीकनगांव। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।